हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, जो कि बहुत महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश है और ये सभी जगह हर जगह मिल जाती है आजकल हर पूरे इंडिया में, और सभी लोग खाना भी पसंद करते हैं और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हम आलू, मटर और फुल गोभी को बारीक बारीक काट लेंगे और उसे बॉईल कर लेंगे। ये देख लीजिए, हमने एक कुकर में आलू, मटर और फुल गोभी को काट के रख दिया, डाल दिया है उसके अंदर। उसके अंदर 2 ग्लास हमने पानी डाला है। अब हम उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम इसके अंदर नमक डालेंगे ताकि हमारी सब्जियों पे कलर चढ़ जाए, हमारी सब्जियां टेस्टलेस ना लगे, इसलिए हम उस पर हल्दी और नमक डालकर बॉईल करेंगे, सादा बॉईल नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें हम प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा लेंगे। ये अब हमारी सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं, अब हम इनसे निथार लेंगे। इसका पानी हम सब एक टोकरी में, बास्केट में निथार लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बघार, सब्जी की बघार की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे, उसके अंदर हम राई और ज़ीरा डालेंगे 1-1 चम्मच, और अगर आपको दोनों में से किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा कम डालिए। और हम इसमें अब गरम मसाला डालेंगे, काली मिर्च और बड़ी इलायची, और अगर आपके पास तेज़पत्ता और तज हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल हो तो आप वो भी डालिए। अब ये देखिए, हमारा लाइट ज़ीरा थोड़ा लाइट ब्राउन हो चुका है और हमारी काली मिर्च और बड़ी इलायची भी लगभग फ्राई होने आई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हींग। ये देखिए, हमने हींग डाल दी है। हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो पेट के हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। अब हमने इसके अंदर ऑनियन, मतलब प्याज और हरी मिर्च बारीक काट के इसके अंदर डाल दी है। अब हम प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन हो जाती है लाइटली। अब उसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे, हमने कम से कम 1 शिमला मिर्च काटी है, तो आधी शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे और आधी शिमला मिर्च अभी फ्राई होने में डाल देंगे ताकि वो थोड़ी गल जाए और उसका टेस्ट ऑयल में आ जाए। जो हमारा बघार का ऑयल है उसके अंदर शिमला मिर्च का तेल टेस्ट उतर जाए। ये अब हम फ्राई कर रहे हैं, हमारी प्याज भी लगभग लाइट गोल्डन होने आई है और हमारी शिमला मिर्च भी। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑनियन का पेस्ट। हम इसके अंदर कम से कम 2 मीडियम ऑनियंस का पेस्ट डालेंगे, उसे पीस कर डालेंगे मीडियम साइज़ की। अगर आपके पास बड़ी हो तो 1 ही डालें, और अगर मीडियम साइज़ की है तो 2 डालें पीस कर। अब इसके अंदर हमने हल्दी डाली है थोड़ी सी, और हमने इसके अंदर प्याज के साथ हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 छोटी चम्मच डाला है। अब हमने इसके अंदर हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब हम इस मसालों को मिक्स करके अच्छे से चलाएंगे, और अब हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच या 3 चम्मच। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो उसमें 3 चम्मच डालिए, और अगर आप थोड़ा मीडियम तेज खाते हैं तो आप 2 चम्मच डालिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डाल के, हाफ टमाटर डालेंगे और हाफ हम रख लेंगे बाद में डालने के लिए। उसको भूनेंगे मसाले को अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर और भूनेंगे। फिर अब हम इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, और उसके साथ साथ हम लेमन जूस यानी नींबू का लेमन जूस डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, ये आप कह सकते हैं पाव भाजी का मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी का मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं इसके अंदर 2 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, और अभी हमने भुना हुआ जीरा डाला है इसके अंदर जो पहले से हमने सेक के और पीस के रखा था, और अब हम इसमें नमक, सेंधा नमक डालेंगे 1 चम्मच, और इसके बाद हम इसमें सब सब्जियां डालकर अब मिक्स कर देंगे। ये सब हमारे जो मसाले भून जाएंगे हम उसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने चम्मच से इस तरह से सब्जी को मैश कर दिया था क्योंकि हमारी सब्जी अच्छे से उबल चुकी थी, और इसमें थोड़ा सा पीलापन है तो इसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे ताकि हमारी सब्जी थोड़ी लाल लाल दिखे, और इसमें पानी डालकर हम उसे थोड़ा पतला कर लेंगे। और इसके ऊपर से हम इसमें अब
फ्राई करे हुए थोड़े से मटर डालेंगे जो हमने बचा लिए थे, बॉईल नहीं किए थे, और ये टमाटर और शिमला मिर्च भी इसी तरह से हमने सब डालकर हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी सब्जी थोड़ी पक जाएगी तो उसके अंदर हम उसमें शक्कर डालकर और एक चम्मच बटर डालकर उसको फिर से थोड़ी देर स्टीम होने देंगे ताकि उसकी खुशबू थोड़ी सी अच्छी मिल जाए सब पाव भाजी के अंदर। ये देखिए हमारी पाव भाजी की भाजी तैयार है और अब हम इसे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे इसके ऊपर। देखिए हमारा हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। अब हम एक तरफ पाव फ्राई करेंगे। ये देखिए पैन में हमने ऑयल डाल दिया था, अब हम पाव रखेंगे और पाव ये हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और ये अब हमने सर्व कर लिया है प्लेट में और हमने इसे डेकोरेट किया है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और खाने का भी मन कर रहा है मेरा तो। आपको भी ये डिश अच्छी लगी हो और इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने घर पर बनाइए इस और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।